नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। पंजाब में इस समय कांग्रेस का शासन है और आए दिन कांग्रेस के नेताओं और उसके रिश्तेदारों की कानून तोड़ती और गुंडे की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। जो ये ताजा मामला है ये है बठिंडा से। कांग्रेस नेता के बेटे की गुंडे की तस्वीरें सामने आई हैं, जरा देखिए। मामूली विवाद में कांग्रेस नेता के बेटे ने अपने से छोटी उम्र के लड़के की बेरहमी से पिटाई कर डाली, कभी लात से, कभी जूतों से, कभी डंडों से। काफी देर तक सरेआम नेता के बेटे की गुंडई ऐसे ही चलती रही। पिटाई की तस्वीरें वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। नेता के बेटे की पिटाई से पीड़ित को गंभीर चोटें आई हैं, उसके एक हाथ में और एक पैर में फ्रैक्चर हुआ है। और आपको बता दें कि यह मामला है 3 दिन पुराना, जब दो छोटे बच्चों के बीच में मामूली सा झगड़ा शुरू हुआ, जिसके बाद नेता और परिवार और पीड़ित का परिवार आपस में भिड़ गया और उसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को फोन कर दिया। इसी बात से नाराज होकर नेता के बेटे ने युवक की बुरी तरह से पिटाई कर डाली। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात भी कह रही है। यह खबर है राजस्थान से। राजस्थान में इन दिनों कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। 12 जिले के पुराने विवाद के चलते दो कांग्रेसी गुट आपस में ही भिड़ गए। ये देखिए तस्वीरें। इस दौरान दोनों ही गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां भांजी। मौके पर पुलिस मौजूद थी, बीच बचाव की लगातार कोशिश की गई लेकिन कोई भी पक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं था। बाद में पुलिस ने लाठी चार्ज करके किसी तरह से इस भीड़ को तितर बितर किया। तस्वीरें देखकर लग रहा है कि दो गुटों के लोग आपस में भिड़े हुए हैं लाठी डंडे के साथ, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं ये और दो गुट आपस में भिड़े हुए हैं। पुलिस वालों को बीच बचाव करते हुए भी आप देख सकते हैं, लेकिन कोई भी गुट सुनने के लिए तैयार जब नहीं हुआ, पुलिस वालों की भी जब चोटें आई तब जाकर लाठी चार्ज किया गया और इन्हें रोका गया। घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया अस्पताल में। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर कमेंट करने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद यह विवाद बढ़ता चला गया। जयपुर में एक पेट्रोल पंप कर्मी से मारपीट करने के मामले में राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता मुकेश चौधरी को हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल शनिवार सुबह कुछ बाइक सवार युवक और जीप लेकर पहुंचे थे पेट्रोल डलवाने के लिए, जिस पर मुकेश चौधरी लिखा हुआ था। पेट्रोल डालने के बाद जब पंप कर्मी ने पैसे मांगे तो दोनों ही पक्षों में झड़प शुरू हो गई। जीप सवार रमेश चौधरी ने अपने भाई मुकेश चौधरी का हवाला दिया। इस दौरान रमेश चौधरी ने फोन पर मुकेश को पेट्रोल पंप पर बुला लिया। मुकेश सफेद स्कॉर्पियो में सवार होकर कुछ लोगों के साथ पेट्रोल पंप पर पहुंचा, जिन्होंने सरिया और डंडों से वहां तोड़फोड़ कर डाली। पेट्रोल पंप कर्मियों से मारपीट भी की गई, जिसमें दो कर्मी घायल हुए हैं। पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ को इकट्ठा होते हुए देख रमेश चौधरी अपनी जीप में बैठा और भाग गया और उसके बाद तोड़फोड़ उसने पहले ही कर चुका था। इस पूरे मामले में पुलिस में मामला दर्ज कराया गया और उसके बाद इस पर एक्शन लिया गया है। पेट्रोल के पैसे मांगने से ये लोग नाराज थे। यूपी में नो हेलमेट नो पेट्रोल का आदेश का पालन अभी तक सही तरीके से शुरू नहीं हो पाया। जिस विभाग को इसे लागू करने की जिम्मेदारी है वही विभाग कानून तोड़ने लगेगा तो आम आदमी का क्या होगा, जरा देखिए। अलीगढ़ में बिना हेलमेट लगाए दो बाइक सवार पुलिसकर्मी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए पहुंचे, जिसके बाद पंप कर्मियों ने पुलिस वालों को ही पेट्रोल देने से साफ इनकार कर दिया। तो बिना हेलमेट लगाए पुलिसकर्मियों ने जबरदस्ती पेट्रोल लेने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों ही पक्षों में जमकर हुई कहासुनी। जरा सुनिए आप भी। जिलाधिकारी का आदेश है बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा, बावजूद आप बिना हेलमेट के पेट्रोल लेने आए। सुनो, नोटिस हमें यहाँ पर आए, नोटिस यहाँ लगा हुआ है। अब हमें मालूम पड़ गया बिना हेलमेट की पेट्रोल नहीं मिली है। हालांकि थोड़ी देर में पंप और लोग भी वहां जुटाए थे। लोगों को समझाने बुझाने के बाद काफी देर के बाद आखिरकार पुलिस वाले माने और बाइक के साथ बिना पेट्रोल लिए चले गए। यह खबर है गुजरात से। गुजरात में आए दिन मगरमच्छ नदी से निकलकर सड़कों पर आ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला वडोदरा जिले में सामने आया। यहां के सावली तहसील के गांव में झाड़ियों के बीच एक बेहद विशालकाय मगरमच्छ लोगों की नजर में आया। बेहद लंबे चौड़े विशालकाय मगरमच्छ को देखकर गांव वाले दहशत में आ गए। आनन फानन में वन विभाग को जानकारी दी गई। वन विभाग की टीम यहां पहुंची और करीब 400 किलो वजनी और 13 फीट लंबे मगरमच्छ को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया।
करीब 5 घंटे की पूरी मशक्कत के बाद इस मगरमच्छ को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई। यह खबर है चीन से। चीन के दक्षिण पूर्वी सिचुआन प्रांत में 5.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें 19 लोग घायल हुए हैं। भूकंप की कुछ सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें एक पिता और उसका छोटा बेटा भूकंप के बाद घर से भागते हुए नजर आ रहे हैं। चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर ने बताया है कि भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। सेंटर ज्यादा गहराई में होने की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।